फिर दूसरा कार्ड निकाला और फिर साइड पे रख दिया, ठीक है। ए पार्ट में वो कह रहे हैं गिवन द फर्स्ट कार्ड इज अ क्वीन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड इज आल्सो अ क्वीन। अब यहां पर हमने निकालना है सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, हम फाइंड कर रहे हैं कि सेकंड कार्ड के क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है प्रोवाइडेड के फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन निकल आया। अब हमें ये पता है कि 52 कार्ड्स में चार क्वींस होती हैं, क्लियर, ये तो सबको पता है ना। यस सर। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हमने पहला कार्ड ड्रॉ किया तो वो क्वीन निकल आया, अब पीछे कितनी क्वींस बच गई हमारे पास, 52 कार्ड्स पहले थे हमारे पास, एक हमने ड्रॉ किया क्वीन निकल आई साइड पे रह हमने रख दी, अब हमारे पास पीछे कितने टोटल कार्ड्स हैं और कितनी क्वींस हैं उसमें ये बताएं। सर 3 क्वींस के कार्ड है और 51 रिमेनिंग है। रिमेनिंग है, ठीक है। तो सेकंड कार्ड के क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/51, ये पार्ट समझ आ गया सबको? जी सर ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रिपीट पार्ट ए फॉर द फर्स्ट कार्ड अ क्वीन द सेकंड कार्ड अ 7। अब वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें सेकंड कार्ड के 7 होने की प्रोवाइडेड के फर्स्ट क्वीन निकल आया। पहला हमने कार्ड ड्रॉ किया हमारे पास क्वीन निकल आया हमने साइड पे कर दिया, अब टोटल कार्ड्स कितने बचे उसमें क्वींस कितनी है और उसमें सेवंस कितनी है बताएं। सर उसमें क्वींस 3 है और 7 के जो कार्ड है वो 4 है। और टोटल कितने पीछे बच गए सर? वो 51। तो अब 7 निकलने की, सेकंड कार्ड के 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/51। ये समझ आ गई पार्ट की? जी सर। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स विल बी अ क्वीन। अच्छा अब यहां पर आप देखें, ये वही सवाल है जो कल मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट ने किया था कि जी वो जो फॉर्मूले में हम इसको वो लगा सकते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी वाला और वो कैंसल आउट हो जाएगा, कल याद है कि ये बात हुई थी एंड पे लेक्चर के? यस सर ये क्वेश्चन था। अब यहां पर वही पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखें अब फर्क देखें, एक चीज है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि सेकंड कार्ड के 7 होने की प्रोबेबिलिटी बताएं प्रोवाइडेड के फर्स्ट कार्ड क्वीन है। यहां पर सी पार्ट में वो पूछ रहे हैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताएं कि दोनों कार्ड्स क्वीन है। दोनों कार्ड्स क्वीन है का मतलब है कि साइमल्टेनियसली जो दोनों कार्ड्स हैं वो क्वीन हो, ऐसी सिचुएशन में जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो क्या होगी? सेकंड कार्ड इज अ क्वीन इंटरसेक्शन फर्स्ट कार्ड इज अ क्वीन। स्टेटमेंट की समझ आ गई ना? यस सर। अच्छा अब यहां पर हम इस पे वो फॉर्मूला लगाएंगे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी which is equal to probability of A intersection B over probability of B, ऐसे ही था ना? तो अब हमने निकालना क्या है? Probability of A intersection B निकालना है। तो आपका जो probability of A given B है, वो multiply हो जाएगी probability of B से। Clear? Yes sir। इस बात की समझ आ गई ना बाकी students को भी? अच्छा आप देखें, इसमें हम जब इसको लिखेंगे फॉर्मूले का, वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड अ क्वीन गिवन फर्स्ट अ क्वीन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड अ क्वीन। यहां तक समझ आई? स्टेप तक समझ आ गई? यस सर। अच्छा देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अ क्वीन गिवन फर्स्ट अ क्वीन ये हमने पार्ट ए में निकाला था विच इज 3/51। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड अ क्वीन। अब फर्स्ट कार्ड अ क्वीन की 4/52 क्यों हमने लिखी है? क्योंकि अब ये चीज तो है सेकंड कार्ड जब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी तब निकलेगी, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड अ क्वीन, ये तो जब हम पहला कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं ये तब निकल रही है प्रोबेबिलिटी। ये पॉइंट समझ आया? यस सर ये क्लियर हो गया।
हाँ तो अब आप जब बताएं कि फर्स्ट कार्ड के क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अब 52 कार्ड्स हमारे सामने पड़े हैं, हमने एक कार्ड ड्रॉ करना है, पहला कार्ड ड्रॉ करना है, फोर क्वींस है उसमें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। क्लियर? यस सर, ठीक है। अच्छा और बताएं जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? सर इसी का ना 1.4-2 का बी पार्ट समझना। अच्छा जी, यहाँ पर भी ना 1.4-2 में वो कह रहे हैं जी, एन ऑर्डिनरी 52 कार्ड डेक इज थरली शफल्ड, यू आर डेल्ट फोर कार्ड्स अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर कार्ड्स आर 7। अब ये देखें, उसने पूछा है ऑल फोर कार्ड्स आर 7, इसका मतलब है साइमल्टेनियसली ऑल द फोर कार्ड्स मस्ट बी 7। तो जब साइमल्टेनियसली की इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या फाइंड करते हैं, कंडीशनल या जॉइंट? कंडीशनल नहीं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। हम साइमल्टेनियसली चारों कार्ड्स के 7 होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। जब साइमल्टेनियसली का बात आ जाती है ना, yes, तो हमेशा जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। अब इसने यहां पर स्टेटमेंट में साइमल्टेनियसली का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इसने कहा है ऑल फोर कार्ड्स आर 7। ऑल फोर कार्ड्स जब हम बात कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट से हमें यह समझ आ रही है कि ऑल फोर कार्ड्स मस्ट बी साइमल्टेनियसली 7 एट द सेम टाइम ना, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो ऑल फोर कार्ड, जब आपने चार कार्ड्स ड्रॉ किया एट द सेम टाइम, चारों कार्ड 7 होने चाहिए। ठीक है सर? जी सर, चारों कार्ड एक साथ पिक करने हैं। बेटा देखें, एक साथ कैसे पिक करेंगे आप, एक निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे, लेकिन आप ये तो नहीं कर रहे ना कि पहला कार्ड निकाला उसके बाद आपने सेकंड को चेक किया, अब आप ये प्रोबेबिलिटी तो नहीं निकाल रहे कि अब क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि अब आप पहला कार्ड निकालने के बाद उसके बाद आप सेकंड की प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो 7 होगा कि नहीं होगा, हम वो नहीं ढूंढ रहे। उसने हमें स्टेटमेंट में ये पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर कार्ड्स आर 7। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि हमने चार कार्ड्स ड्रॉ कर लिए, अब जब चारों को देखना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि चारों 7 हो। समझ आई? जी सर। क्लियर डिफरेंस समझ आई? स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन इससे प्रोबेबिलिटीज चेंज हो जाती हैं। तो बेटा नाजिश, आपको ये समझ आ गई है पॉइंट की, इस पॉइंट की स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है? जी सर, समझ आ गई। तो इधर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब इसमें बी पार्ट तो कोई भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ ये है कि जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हमने ये चीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखें, फर्स्ट कार्ड 7 इंटरसेक्शन सेकंड कार्ड 7 इंटरसेक्शन थर्ड कार्ड 7 इंटरसेक्शन फोर्थ कार्ड 7, दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अब ये क्योंकि चार हमारे पास इसमें आउटकम्स हैं तो हम चारों को इंटरसेक्शन करेंगे। इसको अब आप कैसे लिखोगे? इसको हमने जब ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि हमारे पास टूल क्या है, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। देखें, या तो हमारे पास सेट डिफाइंड हो, ठीक है, हमारे पास कोई सेट्स डिफाइंड हो तो हम उनकी इंटरसेक्शन निकाल सकें। अब यहां पर हमारे पास कोई सेट डिफाइंड तो कोई नहीं है ना, अब तो हमारे पास एक सिचुएशन दी है कि जी 52 कार्ड है, उसमें चार 7 होते हैं, चारों के 7 होने की, हमने चार ड्रॉ किए, चारों के 7 होने की प्रोबेबिलिटी बताई। तो अब हमारे पास जो टूल है जिससे हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करना है वो है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, और हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला जैसे हमने पिछले सवाल के इस पार्ट में किया था, सी पार्ट में, कि दोनों के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे फाइंड की थी, हमने कहा था कि जी सेकेंड की क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी provided first is a queen into probability of first is a queen, जैसे ये breakdown किया था conditional probability वाले formula से, यही formula हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास चार outcomes हैं, तो उसको उस पे वो formula कैसे लगेगा, वो दो outcomes के लिए formula है, ये चार पे हम लगाने लगे हैं। ये point समझ आ रही है? Yes sir. अब चार पे हम कैसे लगाएंगे, हम इसको consider करेंगे के जी दिस इज द फर्स्ट कार्ड, दिस इज द सेकेंड कार्ड, दिस इज थर्ड कार्ड, दिस इज फोर्थ कार्ड।
तो हम ये कहेंगे कि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ कार्ड अ सेवन गिवन फर्स्ट थ्री कार्ड्स आर सेवन, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री कार्ड्स सेवन, ठीक है, इसके साथ। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास ये ब्रेक डाउन होके इस तरह आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ कार्ड अ सेवन गिवन फर्स्ट थ्री सेवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री सेवन। ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर पहले तीन कार्ड्स हमारे पास सेवन आ जाएं, तो अब हमारे टोटल कार्ड्स कितने रह गए बताएं? वन। टोटल कार्ड्स कितने रह गए? सेवन, उसमें वन होगा, 49। तो फोर्थ कार्ड के सेवन होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड फर्स्ट थ्री सेवन निकल आए हैं वो होगी 1/49। ये क्लियर है सर? इसके साथ ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री सेवन क्यों लिखा है 1/49 ये क्यों लिखा है? जी ये क्यों लिखा है, ये अब मैं आपको ना पिछले लेक्चर में से दोबारा से एक दफा लेके जाता हूँ। ये हमारे पास है जॉइंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स में है, ए गिवन बी में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूले की तो समझ है ना आपको? जी सर। अगर मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा तो मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? यस सर, कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यही फॉर्मूला मेरे पास चार वेरिएबल में हो, मैं आपको कहूं कि प्रोबेबिलिटी यहां पर मेरे पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप यूं कर लो, चार वेरिएबल्स में असल में इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी, ठीक है, कि ए बी और सी इवेंट्स अकर हो चुके हैं, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है डी के अकर होने की, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी, क्लियर? तो उसको कैसे लिखेंगे हम? उसको हम यूं ही लिखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। इस पॉइंट की समझ आई है बच्चे? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी को मल्टीप्लाई कर दोगे इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी से, ऐसे ही करेंगे ना हम? यस सर। अब आप उस सवाल पे वापस जाएं। अब जब हम उस सवाल पे वापस जाएंगे तो हम यही काम कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहे हैं, हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन ए बी सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। तो अब क्योंकि वो ए बी सी नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास कार्ड्स के हैं, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ कार्ड अ सेवन इंटरसेक्शन थर्ड कार्ड अ सेवन इंटरसेक्शन सेकंड कार्ड अ सेवन इंटरसेक्शन फर्स्ट कार्ड अ सेवन, ये हमने निकालनी है। और इसको निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ कार्ड अ सेवन गिवन फर्स्ट थ्री कार्ड्स अ सेवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री कार्ड्स अ सेवन। क्लियर है यहां तक? अब ये प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली है, आपने बताया था, खुद बताया था कि ये कैसे निकली है, ये इसकी तो समझ आ गई सबको। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री कार्ड्स सेवन होने की प्रोबेबिलिटी, इसको आप इक्वेशन नंबर वन कह दो, ठीक है। इसको जब आप इक्वेशन नंबर वन कह दोगे, अब आपको ये चीज चाहिए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट थ्री कार्ड्स सेवन है उसकी क्या? अब यहां पर देखो, फर्स्ट थ्री कार्ड सेवन होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि यहां पर फिर साइमल्टेनियसली पहले तीनों कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हम सेवन की निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन इंटरसेक्शन सेवन इंटरसेक्शन सेवन।
क्लियर है ये? यस सर। अब इसको कैसे निकालोगे? इसको निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कार्ड अ सेवन गिवन फर्स्ट टू कार्ड सेवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टू कार्ड सेवन। अब आप ये देखें, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से दो कार्ड्स आपके पास सेवन आ गए। अब कितने सेवन रहे और कितने टोटल रहे? सर टू सेवन्स हैं और टोटल 50 हैं। हाँ, तो अब थर्ड कार्ड के सेवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/50। यस सर। और फर्स्ट टू कार्ड सेवन, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर हमें नहीं पता, इसको इक्वल नंबर टू हम कह देंगे। अब हमें ये निकालना है, फर्स्ट टू कार्ड सेवन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन इंटरसेक्शन सेवन। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड है सेवन गिवन फर्स्ट कार्ड है सेवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड है सेवन। ये स्टेप भी समझ आ गई? जी सर। अब आप मुझे बताएं कि आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, वो सेवन था, अब पीछे कितने कार्ड बचे और कितने सेवन्स थे उसमें? सर 3 सेवन्स थे और 51 टोटल है। ठीक है, अब सेकंड कार्ड के सेवन होने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/51। ये चीज तो समझ आ गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सेवन गिवन फर्स्ट सेवन, ये प्रोबेबिलिटी निकल आई। और फर्स्ट कार्ड के प्रोबेबिलिटी सेवन होने की क्या है? हमारे पास टोटल 52 कार्ड हैं, उसमें चार सेवन हैं, तो फर्स्ट कार्ड के सेवन होने की प्रोबेबिलिटी है 4/52। क्लियर? यस सर। अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल कोर्ड फोर कार्ड जस्ट सेवन, वो बनेगी 1/49। ये 1/49 कहां से आया? ये वाला, फिर 2/50, फिर 3/51 एंड 4/52, सबको मल्टीप्लाई करें तो टोटल ये प्रोबेबिलिटी बनती है, विच इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी। समझ आ गई? यस सर, थैंक यू सो मच। और किसी स्टूडेंट का कोई सवाल है? सर वो काइंडली सिलेक्टेड क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा किसी भी। जी वो मैं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा, मुझे याद है, कल असल में मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो आज मैं कोशिश करके ना आज ही इंशाल्लाह कर दूंगा, और असाइनमेंट भी शायद आज ही मैं पोस्ट कर दूं। अच्छा जी, सवाल है किसी का या मैं वीडियो स्टार्ट कर दूं? चलें फिर वीडियो स्टार्ट कर दे।